नाजरीन, मैं हूँ शहजेबुल हसन और आप देख रहे हैं गोल्डन सर्कल फ्रॉम बैरियटोम कराची। नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं ऐसे प्रीसेंट में जहाँ पे आपको बैरियटोम कराची के जो सीईओ हैं मलक अली रियाज, उनका फार्म हाउस जो है ना इस प्रीसेंट में मौजूद है। और नाजरीन, साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ्लैग पोल है वो भी इसी प्रीसेंट में जो है ना मौजूद है। तो नाजरीन, इस वक्त हम जो मौजूद है वो है बैरियर हिल, जिसे वो प्रीसेंट 9 कहते हैं और जिसको साथ ही साथ बैरियर हिल भी कहते हैं। बैरियर हिल इसलिए नाजरीन कहा जाता है कि हिल के नाम से ही आप वाकिफ हैं कि इसमें जो प्लॉट्स की कटिंग इन्होंने दी हुई है वो किसी भी लेवल में नहीं है। मतलब कि कुछ हाइटेड प्लॉट हैं, कुछ डिप्रेशन में है, लेकिन प्लॉट लेवल में है, ये नहीं आप कह सकते कि प्लॉट डिप्रेशन में है, कि जो एरिया है सिर्फ वो कुछ ऊंचा नीचा एज अ लाइक पहाड़ की तरह है। तो नाजरीन, इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो बैरियर हिल के रोड 3 के ऊपर मौजूद हैं। ये साथ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो हम रोड 3 के ऊपर मौजूद हैं और आज हम बैरियर हिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस वक्त जो बैरियर हिल की जो कंडीशन चल रही है, जो सूरत हाल चल रही है मार्केट में, वो क्या है, कि इसके जो पार्ट्स का इस टाइम जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, और साथ में आपको बताएंगे इसकी लोकेशन, इसमें मौजूद जो कटिंग है प्लाट्स की वो क्या है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें जो अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं इसके सराउंडिंग में वो कौन कौन से हैं, और ये यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन प्रीसेंट है या फिर आपको एंड यूजर के लिए जो है ना ये बेहतरीन प्रीसेंट है। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो तमाम चीज़ों को, इन तमाम के क्वेश्चन पे क्वेरीज को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो चलें शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की, कि बैरियर हिल मेरी जो प्रीसेंट 9 है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो नाजरी, जैसे ही आप बैरियर टाउन कराची के मेन गेट से एंटर होते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो 4 से 5 मिनट की मुसाफत पे ही आपको मिलती है, मिडवे बीच से कमर्शियल हब कहते हैं उसके साथ ही। दूसरी बात नाजरीन, के इसमें जो प्लाट्स की कटिंग दी गई है, प्लाट्स की कटिंग के हमसे है। तो नाजरीन, इसमें 3 तरह के प्लाट्स की कटिंग दी है। नंबर 1 500 स्क्वायर यार्ड की, 1000 स्क्वायर यार्ड्स की और 2000 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लाट की कटिंग है वो दी गई है। और साथ ही नाजरीन, आपको अगर मैं बताऊँ इसमें कि ये प्रीसेंट जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है या एज ए एंड यूजर, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की। तो नाजरीन, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये प्रीसेंट बहुत ही बेहतरीन प्रीसेंट है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ही आपको मैं पहले बता दूं कि आपको कमर्शियल हब जो है मिडवे बी वो मिलता है। इस तरफ कैमरा घुमाएंगे तो इससे हम आपको नजर आएगा कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नाजरीन आपको इससे नजर आ रही है, ये मिडवे बी की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। तो मिडवे बी में और साथ ही इसके जो मिडवे ए है और वहाँ पे बैरियर टाउन कराची का जो हेड ऑफिस है वो भी मौजूद है। तो नाजरीन, आपको पता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो आप सबसे पहले बात की जाती है इसकी लॉन्चिंग प्राइस की। तो जब बैरियर ने इनको लॉन्च किया था तब क्या रेट थे और आज की मार्केट में क्या रेट है, क्या डिफरेंस इनका चल रहा है, मार्केट आया इसके ऊपर गई है या फिर प्रीसेंट 9 की मार्केट जो है वो डाउन आई है। तो नाजरीन, आपको बताएं कि जो 500 स्क्वायर यार्ड से प्लाट थे जब बैरियर ने इनको लॉन्च किया था तो वो 46,50,000 में इन्होंने लॉन्च किया था, और आज की जो मार्केट चल रही है इसमें आपको 1,70,00,000 तक जो है ना प्लॉट मिलता है। तो देख सकते हैं आपके कितना जो डिफरेंस है वो प्लॉट्स में आया, कि रेट्स जो है ना वो ऊपर ही गए हैं, नीचे नहीं आए। दूसरे नंबर पे 1,000 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट थे उनकी नाजरीन जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 86,00,000 थी, और अगर आज की हम मार्केट में हम देखते हैं कि क्या हमें रेट मिलता है तो आज की मार्केट में नाजरीन हमें 5 करोड़ के राउंड में जो रेट है वो मिलता है 1,000 स्क्वायर यार्ड का। और दूसरा हम बताऊं आपको कि 2000 स्क्वायर यार्ड के बारे में, तो नाजरीन 2000 स्क्वायर यार्ड के जो लॉन्चिंग प्राइस जब बैरियर ने प्लॉट दिए थे इंस्टॉलमेंट पे तो उसने दिए थे 1,90,00,000 में, और आज की मार्केट में अगर हम देखते हैं तो हमें 7 के राउंड में मिलते हैं। और ये तमाम प्लॉट्स जो है इस पे डिपेंड करता है, इनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, इसके कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी का प्लॉट है और कौन सी लोकेशन पे जो है ना ये प्लॉट वर्क है। तो नाजरीन, ये थी इनकी प्राइस की और इन्वेस्टमेंट के हवाले से नाजरीन बहुत ही बेहतरीन प्रीसेंट है। आज की मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो थोड़े से कम है, तो अगर आप ले लेते हैं आज भी प्लॉट आप लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज अ शॉर्ट टर्म या एज अ लॉन्ग टर्म, तो बहुत बेहतरीन प्रीसेंट है आपके लिए, बहुत ही जो है मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सी जो ऐसी चीजें, ऐसी बिल्डिंग्स जो है इसके सराउंडिंग में बहुत तेजी से बन रही है, या मैं पीछे देख भी सकते हैं कैमरे में आपको नजर आ रही होंगी ये बिल्डिंग्स जो बन रही है, और साथ मिडवे है इसमें भी बहुत सी बिल्डिंग जो है ना उन पे काम हो रहा है, और बहुत सी बिल्डिंग जो है ना समझे 80% बिल्डिंग जो है ना वो रेडी है बिल्कुल यहाँ पे। और दूसरा आपको बताऊं मैं यहाँ पे
अब बात करते हैं इसके एज अ एंड यूजर की, यहाँ पे रहने के लिहाज से ये अच्छा प्रेजेंट है या नहीं। तो नादरीन, अगर रहने के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहले कुछ मैं आपको चंद चीजें बता दूं जो इसके सराउंडिंग में आती है, अट्रैक्टिव पॉइंट, ताकि आपको पता चल जाए कि खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये रहने के लिहाज से कितना जो है ना बेहतरीन प्रेजेंट है। तो नादरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ही आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मलक अली रियाज का फार्म हाउस, जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाइटेड जो लोकेशन है ये है, 1,000 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लाट दिए गए हैं, और इसी हाइटेड लोकेशन के ऊपर नाजरीन मलक अली रियाज का जो फार्म हाउस है वो भी अवेलेबल मौजूद है। और दूसरा आपको बताऊँ, जैसे कि इधर फ्लैट पोल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा फ्लैट पोल है, जिसके ऊपर फिलहाल तो झंडा नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस वजह से इन्होंने उतारा हुआ है। तो आप नेक्स्ट आ रही है 14th अगस्त, तो तब यहाँ पे झंडा जो है ना वो लहराया जाएगा सबसे ऊंचा। तो ये फ्लैग पोल है नाजरीन, और इसके साथ अगर आप कैमरे में आप देखें तो आपको दुनिया की नाजरीन सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो तीसरी बड़ी मस्जिद मिलती है, और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मिलती है जिसके बिल्कुल सराउंडिंग में, समझे कि इसके साथ ही वो टच करती है। और इसके साथ नाजरीन मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको हाइट्स जो है ना वो नजर आ रही है, हाइट्स का व्यू भी नजर आता है, हाइट्स भी यहाँ पे आपको इसके सराउंडिंग में मिलती है। और ये प्रीसेंट एट है, प्रीसेंट एट पे देख सकते हैं आप आबादी विला जो है वो कितने तेजी से बन रहे हैं, और बहुत से विला जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और थोड़ा सा आप यहाँ पे और थोड़ा सा रोटेट करें तो साथ ही आपको ये देखें फाउंटेन का जो नादरीन व्यू है इस टाइम, वो कितना ही शानदार व्यू आपको फाउंटेन का नजर आ रहा है, बल्कि स्काई व्यू जो है वो भी आपको बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है कि फाउंटेन व्यू जो है ये नादरीन, इसको अशर फाउंटेन कहते हैं, जो कि इस टाइम आपको नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर हम इसके ऑपोजिट साइड पे देखें एज अ जिना की तरफ नादरीन, तो जिना की साइड पे हमें जो प्रीसेंट मिलते हैं वो प्रीसेंट 16 और प्रीसेंट 17 नादरीन हमें मिलते हैं। तो इस लिहाज से नादरीन आप देखें कि जो मिडवे है, मिडवे में आपको तमाम जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं रोजमर्रा एशिया की, खाने पीने की, सिनेमाज वहां पे मौजूद है, मस्जिद जो है वो है, पार्क्स हैं, तो वो तमाम चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं, ऑफिस मिल जाते हैं। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए नादरीन ये रहने के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है, तमाम सराउंडिंग में इसमें ये चीजें जितनी भी आती हैं वो भी आपको दिखा दी है, पुरसकून एरिया है, हाइटेड लोकेशन है, तो ये रहने के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन प्रेजेंट है। एज अ एंड यूजर आप देख सकते हैं विदास भी यहाँ पे जो है ना बहुत से बंदे, इसके ऑपोजिट साइड पे भी इसकी जो दूसरी साइड है जिनाब वाली साइड, वहाँ पे भी विलास बंद है, इवन के कुछ विलास हैं जो रेडी है, उनमें फैमिली मौजूद है इस टाइम। तो ये थी नादरीन वीडियो बैरिया हिल के ऊपर प्रेजेंट 9 जिसको कहते हैं। तो इसमें नादरीन किसी भी किस्म की अगर मजीद क्वेरीज हो, आपके माइंड में कोई और सवाल आप पूछना चाहते हो, तो बिला झिझक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह तमाम आपकी क्वेरीज का जो है ना आंसर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या फिर एज एंड यूजर के तौर पर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तब भी नादरीन आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके साथ तमाम जो है ना वो डिटेल शेयर की जाएगी, तो आपको अच्छे से अच्छे जो रेट्स हैं उनमें जो है ना नादरीन प्लॉट्स लेके दिया जाएगा। एज अगर विला आप रेडी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर किसी और भी बैरियर टू क्राची में किसी प्रेशर की आपके माइंड में कोई क्वेरीज हैं, कोई जानना चाहते हैं आप किसी के बारे में, तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जो आंसर है वो दिए जाएंगे। और इसी तरह आपको मजीद जो है ना डे बाय डे नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसी चैनल पे हर प्रेशर की आपको मिलती जाएगी। तो आपने होश शाह को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।